जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इसी पारसाना सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं कंप्यूटर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न। लगभग 500 प्रश्नों का एक संग्रह है जो SSC में आपको पूछे गए हैं। इसके बाद जो छत्तीसगढ़ के व्यापम पेज में पूछे गए प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आज का प्रश्न, और याद रखिएगा, यदि आपको हॉस्टल वार्डन का पेपर निकालना है तो आपको कंप्यूटर पास करना ही होगा, क्योंकि कंप्यूटर पूछेगा 30 नंबर का, जिसमें आपको 15 नंबर पाना अनिवार्य है। और हमारी कोशिश रहेगी कि आप पूरा 30 पाएँ, क्योंकि केवल 15 पाना हमारा लक्ष्य नहीं है, हमको तो और अच्छे नंबर पाना है, और कंप्यूटर एक ऐसा विषय है जिसमें अच्छे नंबर ला सकते हैं। पहला प्रश्न आज का है, व्यावसायिक रूप से प्रयोग किए जाने वाला पहला कंप्यूटर था, ठीक है, व्यावसायिक रूप से प्रयोग किए जाने वाला पहला कंप्यूटर कौन सा। तो मैंने कुछ कुछ को पहले से टिक लगा दिया गया, बस इसको आपको याद रखना है। यूनिवैक, कौन सा था? यूनिवैक। अगला प्रश्न चलते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली में कर्नल भंग को क्या कहते हैं। तो इसको हम क्रैश नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं? क्रैश के नाम से जानते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी में एसोसिएटिव मेमोरी को क्या कहा जाता है, है ना? एसोसिएटिव मेमोरी को हम कहते हैं कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी, ठीक है, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी के नाम से इसको जाना जाता है। नेटवर्क में संक्षिप्त संदेश जो स्टेशन से, जो एक स्टेशन से दूसरी स्टेशन को जाता है, क्या कहलाता है? इसको टोकन के नाम से जाना जाता है। किस नाम जाना जाता है? इसको टोकन के नाम से जानते हैं। यंत्रों को निम्नलिखित सूची में से नेटवर्क लेयर के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है, इसको हम कहते हैं राउटर, ठीक है, ये राउटर के नाम से जाना जाता है इसको। निम्नलिखित में से कौन सा वेंडेट कोड भारित कूट नहीं है, Access 3 कोड, कौन सा कोड? Access 3 कोड भारित नहीं है। कैश में वर्ड को हटाते ही, कैश में से वर्ड को हटाते ही मुख्य मेमोरी को अद्यतन करने की विधि को क्या कहा जाता है, तो यह कहा जाता है राइट बैंक। क्या कहते हैं? राइट बैंक। नेटवर्क के अंदर बहुत से कंप्यूटरों द्वारा भेजे गए भारी मात्रा में डेटा के अत्यधिक भर जाने पर नेटवर्क डाटा नहीं दे पाता, उसको हम कहते हैं कंजेशन। इसको हम कंजेशन के नाम से जानते हैं। हो सकता है आपको PDF साफ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप साफ सुथरे के चक्कर में मत रहिए, क्योंकि आपको पढ़ना है, ठीक है। थोड़ा बहुत डल दिख रहा होगा, क्योंकि थोड़ा सा स्कैन अच्छे से नहीं हो पाया था ये, इसलिए आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन पढ़ लीजिए, आपके लिए लाभकारी होगा। नेट न्यूट्रलिटी का मतलब क्या होता है? तो इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी, जिसको हम ISP बोलते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और सरकार को इंटरनेट में पाए जाने वाले सभी डाटा के साथ समान रूप से व्यवहार करना, ये आपके नेट न्यूट्रलिटी का कहा जाता है। ये हाल ही में 2-3 साल पहले इस बात को उठाया गया था। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर द्वारा पता लगाए जाने से बचने के लिए निम्नलिखित में से कौन से निम्नलिखित कौन जब भी स्थापित किया जा सकता है परिवर्तित होता है, जिसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिक वायरस। क्या कहते हैं इसको? पॉलीमॉर्फिक वायरस कहते हैं। कंप्यूटर वायरस वॉर्म द्वारा स्वयं की पुनरावृत्ति के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम कहते हैं स्पॉन। इसमें जाते हैं स्पॉन के नाम से जानते हैं। भिन्न भिन्न प्राथमिकताओं के चलने के कारण ट्रैफिक को संभालने के लिए कौन सी शेड्यूलिंग सर्विस का उपयोग किया जाता है, QoS ट्रैफिक शेड्यूलिंग, ठीक है, क्वालिटी ऑफ सर्विस डेटा पैकेट, ठीक है, इसको हम कहते हैं ERS शेड्यूलिंग के नाम से इसको जाना जाता है। देखिए प्रश्न कैसे कैसे हार्ड आ सकते हैं। जो प्रोग्राम एक सिस्टम के फंक्शन को दूसरे सिस्टम पर नकल करेगा उन्हें क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं इम्यूलेटर, ठीक है, इम्यूलेटर अनुरूप करना, इसका मतलब होता है अनुरूप करना। मोबाइल के जरिए धनराशि का अंतरण को हम कहते हैं IMSP, इंटरमीडिएट मोबाइल पेमेंट सर्विस, फुल फॉर्म पूछेगा तो याद रखिएगा, क्या कहते हैं इसको? इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सर्विस। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नीचे लिखा हुआ है क्या, इसका 58 नंबर का प्रश्न, तो इसमें नहीं लिखा, हाँ ये है, कैश मेमोरी किस सिद्धांत पर कार्य करती है, कैश मेमोरी जो है किस सिद्धांत पर कार्य करती है, ऑप्शन इसके ऊपर है, रेफरेंस की स्थिति पर, रेफरेंस मतलब होता है एड्रेस,
ठीक है, तो जो कैश मेमोरी है वो रेफरेंस की स्थिति पर कार्य करती है। निरंतर सक्रिय सिस्टम प्रोग्राम प्रोसेस को क्या कहा जाता है? डीमन। ठीक है, बैकग्राउंड पर चलता रहता है, यूजर से इसको कोई लेना देना नहीं, इसको हम कहते हैं डीमन। ठीक है, निरंतर सक्रिय सिस्टम प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं? जो आपके कंप्यूटर यदि स्टार्ट होता है, मोबाइल स्टार्ट होता है, तो वो उसके बैकग्राउंड पर चलते रहते हैं, उसको यूजर से कोई लेना देना नहीं होता, इसको हम क्या कहते हैं? डीमन के नाम से जानते हैं। स्टेशनों के ग्रुप को फ्रेम भेजने को क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मल्टीकास्टिंग। रजिस्टरों में संचित डेटा पर निष्पादित ऑपरेशन को क्या कहा जाता है? ठीक है, रजिस्टरों के संचित डेटा पर निष्पादित ऑपरेशन को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है माइक्रो ऑपरेशन। क्या कहते हैं इसको? माइक्रो ऑपरेशन के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक प्राइमरी की एक प्राइमरी की कैंडिडेट भी हो सकती है। प्रत्येक रिलेशन में कम से कम एक फॉरेन की होती है। फॉरेन की का वैल्यू मूल्य शून्य मूल्य नहीं हो सकता। प्राइमरी की अल्टरनेट भी हो सकता है। तो सबसे पहला वाला ही सही है कि प्राइमरी की कैंडिडेट की भी हो सकती है। ये आपका कहाँ आएगा? आपके डेटाबेस में काम आ जाएगा। जब आप DBMS या फिर ओरेकल पढ़ोगे या फिर MS एक्सेस पढ़ोगे तब काम आएगा ये सब चीज़ें। पेज फॉल्ट कब आता है? जब प्रोग्राम ऐसे पेज में पहुँचे जो उस समय मुख्य मेमोरी में ना हो। यदि आप कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं और वो आपके मेमोरी में, मुख्य मेमोरी मतलब रैम में नहीं हो, तब की स्थिति में ये पेज फॉल्ट आता है। कैश मेमोरी किनके बीच क्रिया करती है? तो रैम, CPU और रैम के बीच आपका कैश मेमोरी रहता है जो सबसे फास्ट चलती है। ठीक है, CPU और रैम के बीच होता है आपका कैश मेमोरी। अगला प्रश्न चलते हैं, कंप्यूटिंग का कौन सा प्रकार कंप्यूटेशन, स्टोरेज और यहाँ तक के एप्लीकेशन भी पूरे नेटवर्क को सर्विस के रूप में करता है? ठीक है, बस यही एक प्रश्न है जो आपको थोड़ा ज़्यादा डल दिख रहा है, बाकी के थोड़े क्लियर है। ठीक हो जाएगा आपका क्लाउड कंप्यूटिंग। अगला प्रश्न है, वाईमैक्स का अभिप्राय क्या होगा? वाईमैक्स है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो वाईमैक्स का फुल फॉर्म हो जाएगा वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। तो इसका फुल फॉर्म ये हो जाएगा। ईमेल का आविष्कारक कौन है? ठीक है, ईमेल का आपको आविष्कारक बताना है। तो ईमेल का आविष्कारक है विंटशर्फ। ईमेल का आविष्कारक है। टिम बर्नली जो WWW का आविष्कारक है। ठीक है, VA शिवा यदुराई, ये एक भारतीय है जो ईमेल के आविष्कारक है। ठीक है, ये किसका कौन है? ये हमारे ईमेल के आविष्कारक इनको माना जाता है। निम्न त्रुटियों में से किसकी कंपाइलर द्वारा पहचान की जा सकती है? ठीक है, तो हम सिंटैक्स एरर मतलब जो भी नियम कानून उस सॉफ्टवेयर में बनाया गया है, जो भी कोडिंग बनाई गई है, उसका तो हम जांच कर सकते हैं, लेकिन जो भी लॉजिक त्रुटि है, लैंग्वेज त्रुटि है, इमेज त्रुटि है, उसको हम कंपाइलर द्वारा ज्ञात नहीं कर सकते। फाइल की सीधी एक्सेस को और क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं रैंडम एक्सेस। इसे हम कहते हैं रैंडम एक्सेस के नाम से जानते हैं। कंप्यूटर को बूट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? कंप्यूटर को बूट करने के लिए, चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर रिसोर्सेज को मैनेज करता है? तो ये है हमारा प्रोग्राम। क्या है? प्रोग्राम। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बैबेज को। बाइनरी डिजिटल कंप्यूटर में मशीनी भाषा बनती है। बाइनरी डिजिटल कंप्यूटर में मशीनी भाषा बनती है। इसका आंसर हो जाएगा ऊपर देखिए, ये हमारे ऑप्शन है 1 और 2 से, 0 और 1 से, मतलब आपके पास 0 और 1 को हम बीट करते हैं, उसी से बनती है इसकी भाषा। इंटरनेट का जन्मदाता कहा जाता है डॉक्टर विटन जी शर्फ को। ठीक है, अगला प्रश्न, http://www parentalhall.com URL में HTTP का मान क्या है? ये HTTP क्या चीज़ है? तो ये ट्रांसफ़र नियमानुवल है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है इसका फुल फॉर्म। ये आपका ट्रांसफ़र नियमावली है, मतलब कानूनी है या फिर इसका
अब क्या कह सकते हैं इसको, सेट ऑफ रूल्स है। समय की एक अवधि के दौरान आप कितने वेबसाइट एवं पृष्ठ देखे उन सभी को प्रदर्शित करता है आपके हिस्ट्री लिस्ट में, मतलब हिस्ट्री में। जैसे आप कुछ भी सर्च करते हैं, क्या सर्च किया क्या नहीं सर्च किया, ये आपके हिस्ट्री में दिखनी चाहिए, ठीक है। लेकिन प्रश्न एक बार और पूछ लीजिए, पढ़ लीजिए क्या लिखा है, समय की एक अवधि के दौरान, ठीक है, समय की एक अवधि के दौरान पूछा गया है, तो ये हमारे टास्क बार, ठीक है, तो इसका आंसर टास्क बार लिया जा रहा है, तो ये आंसर टास्क बार होगा, ये हिस्ट्री नहीं होगा। HTML कोडिंग निम्नलिखित में से कौन से एप्लीकेशन का प्रयोग करता है, तो ये करता है नोटपैड का, इसका करता है नोटपैड का। जब रैम की किसके लिए प्रयोग किया जाता है, शब्द रैम जो किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रीड एनी मेमोरी या फिर रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो आपको हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी के लिए। किस प्रकार की युक्ति किसी कंप्यूटर प्रणाली में संगठकों एवं समर्थकों को जोड़ने में उपभोक्ता को अनुमति देती है, ठीक है, ए सिस्टम बूट्स, क्या हुआ सिस्टम बूट्स। वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करता है आंकड़ों को, उपकरण को, प्रोग्राम को या फिर हार्डवेयर को, तो वायरस आपके आंकड़ों को खराब कर सकता है। CPU का फुल फॉर्म पूछा गया है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ये तो बहुत इजी प्रश्न है, क्या है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, कहीं पे दिया होगा, देखिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ये जितने भी हैं आपके SSC के प्रश्न हैं उसको मैं करवा रहा हूँ, उसके बाद हम व्यापम वाला भी कर लेंगे। कंप्यूटर प्रोग्राम में गलती एंड एरर को हम बग के नाम से जानते हैं, ठीक है, थोड़ा फास्ट चलते हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान है। डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट, लेजर, इनमें से किसके विभिन्न प्रकार के नाम है, तो ये हमारे सुना सुना लग रहा है, ये प्रिंटर है। कंप्यूटर में एक जानकारी आगत करने पर यह खाली स्थान बन जाती है, जैसे कंप्यूटर में कुछ डाटा डालते हैं तो ये हमारा आंकड़ा बन जाती है। एक स्कैनर क्या स्कैन कर सकता है, चित्र टेक्स्ट दोनों, ये दोनों स्कैन कर सकती है। वह साधन डिवाइस जो कंप्यूटर को, ठीक है, कंप्यूटर को आपातकालीन बिजली उपलब्ध कराता है, वोल्टेज संचालित कराता है और बिजली के करंट के अधिक प्रवाह से बचाता है, इसको हम कहते हैं UPS, अनइंटरप्टेड पावर सर्विस बिना रुके। बेसिक, कोबोल, C++ विभिन्न प्रकार की क्या है, ये कंप्यूटर भाषा है, मशीनी भाषा है, संकेत है, तो ये कंप्यूटर की भाषाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का इनपुट उपकरण है, मॉनिटर, प्लॉटर, प्रिंटर, ये आउटपुट है, इनपुट केवल कीबोर्ड है। आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक वियोज्य मेमोरी उपकरण है, वियोज्य मतलब होता है आपको इसमें क्या बोला सकते हैं, जो जिसका डेटा उड़ जाता है, ये हो जाएगा आपका वियोज्य मेमोरी, यदि कहा जाए मेमोरी तो ये हमारा मेमोरी रैम उसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आज हमने कुछ प्रश्न देखे, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रश्न देख लेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।